Bismillahirrahmanirrahim. So today's topic is the radiolar joints. अगर डिस्कनेक्ट हुआ बेटा इधर ही लिंक ज्वाइन कर लेना क्योंकि अटेम्प्ट करते करते 20 मिनट्स पास हो गए. एनीवे सो जॉइंट के बारे में हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है कि जॉइंट को वी हैव टू स्टडी अंडर दीज हेडिंग्स. जॉइंट इंट्रोडक्शन में हम उस जॉइंट की टाइप वैरायटी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. आर्टिकुलेटिंग सर्फेसिस के बारे में, लिगामेंट्स के बारे में, साइनोवियल मेम्ब्रेन की कहाँ कहाँ पे अटैचमेंट है, कहाँ कहाँ पे जो है वो कैप्सुलर लिगामेंट में कोई लीकेज है जहाँ से उसकी शीथ बाहर आ जाती है, और ये सारे स्पेशल फीचर्स अगर हैं डिस्क है या कोई और स्ट्रक्चर है जो जॉइंट के अंदर है, एक्स्ट्रा लिगामेंट्स हैं जो जॉइंट्स के अंदर है तो उनके बारे में बताएंगे. ब्लड सप्लाई, इनर्वेशन, मूवमेंट्स एंड मसल्स विच आर प्रोड्यूसिंग द मूवमेंट्स, और एंड पे हम अप्लाइड एनाटॉमी करते हैं. ठीक है, तो ये वो हेडिंग्स है जो हर जॉइंट के साथ आपने लिखनी होती है. तो मेरा ख्याल है कि एक बैच में मैंने ये हेडिंग्स बुक के स्टार्ट में जो है ना वो ऐड भी करवाई थी. फोरआर्म बोन्स के बारे में आपको आइडिया हो गया होगा. तो रेडियस विच इज द लैटरल बोन, यू कैन सी द अपर एंड विच हैज दिस हेड. हेड की एक सुपीरियर सरफेस होती है और उसके ऊपर ये जो आपको पार्ट नजर आ रहा है जो लाइट ब्लू में, दिस इज द सर्कमफेरेंस ऑफ हेड. देन वी हैव दिस कंस्ट्रक्शन कॉल्ड नेक. नेक के बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपको अपर एंड पे नजर आ रहा है, दिस इज द रेडियल ट्यूबरोसिटी. शाफ्ट में अभी डिस्कस नहीं करूंगी क्योंकि अपर एंड और लोअर एंड डिस्कस करना जरूरी था. दीज आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द डिस्कशन विद द जॉइंट्स. शाफ्ट में एक जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये याद रखनी है कि जो लैटरल बोन है जो कि रेडियस है आपको यहाँ पे क्रॉस सेक्शन में नजर आ रहा है, उसका जो मीडियल वाला बॉर्डर है वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट और शार्प बॉर्डर होता है. ठीक है, और उसको हम इंट्रोसियस बॉर्डर कहते हैं. इंट्रोसियस बॉर्डर जो है उस पर इंट्रोसियस मेम्ब्रेन की अटैचमेंट होती है जो मैं अब आपको दिखाऊंगी आगे. अच्छा, सो रेडियस का फिलहाल शाफ्ट में हमारे लिए मीडियल बॉर्डर जो है ना वो इम्पोर्टेंट है. Then at the lower end of radius, you can see के radius का ये जो lower end है इसकी बहुत सारी surfaces हैं. एक lateral surface है जहां पर आपको styloid process नजर आ रही है, ये projection. एक inferior surface है, यहाँ पर ये inferior surface के आपको parts नजर आ रहे हैं जो कि carpal bones के साथ मिलकर wrist joint बनाती है. ठीक, ये anterior surface है, एक posterior surface है जो आपको ये नजर आ रही है जहां पर tubercle भी है और tendons के गुजरने की वजह से आपको बहुत सारे grooves नजर आ रहे हैं. ऑन इट्स मीडियल सर्फेस यहाँ पर लोअर एंड पे आपको ये नॉच नजर आ रही है और इतनी ज्यादा क्लियर नहीं है, अगली पिक्चर्स में क्लियर हो जाएगी कि इस नॉच को हम अल्ना नॉच कहते हैं और अल्ना नॉच इज गोइंग टू मेक अ जॉइंट विद लोअर एंड ऑफ अल्ना. तो अपर एंड जो है वो भी अल्ना के साथ ज्वाइंट बनाएगा, लोअर एंड भी ज्वाइंट बनाएगा. राइट, दिस इज अल्ना. You can see this is the upper end of ulna. Upper end में ये जो trochlear notch है जो olecranon की anterior surface और coronoid process की superior surface से बनती है. This trochlear notch is involved in elbow joint. ठीक? Now on this lateral side of ulna, you can see there is a notch here which is called radial notch. A radial notch or head of radius का joint यहाँ पे जो होगा that would be the superior radial nerve joint. Right? Then we can see the cross section of the shaft here. आप देख सकते हैं कि इस cross section में जो lateral border है जो कि radius की तरफ होना है अल्ला का, this lateral border is very prominent और इसको हम interosseous border कहते हैं. दोनों bones जो हैं उनके interosseous borders के दरमियान में एक membrane attach होती है, एक ligament attach होता है which is called interosseous membrane. This can be called as the middle radioulnar joint. Then we have this lower end. Lower end pe we can see the head of ulna, which is this. Then this projection on the posteromedial side, which is called styloid process of ulna, yeah, ulnar styloid process. Head jo hai, wo that is going to make joint with lower end of radius, which is called inferior radioulnar joint. और हेड के ऊपर जो है वो एक आर्टिकुलर डिस्क की अटैचमेंट हो जाती है और हेड ऑफ अल्ना डायरेक्टली रिस्ट जॉइंट में इन्वॉल्व नहीं होता. ठीक, सो आगे इसकी डिटेल्स हम देख लेते हैं.
So we have three radial ulnar joints, superior radial ulnar joint, middle radial ulnar joint and inferior radial ulnar joint. Tino may say superior and inferior radial ulnar joint are synovial joints. Iska matlab hai ki ye cavitated joints honge. Inme capsule, ligaments aur hyaline articular cartilage ki layer, wo sare features honge jo ke synovial joint mein hote hain. Theek hai, jo middle radial ulnar joint hai, this is not a synovial joint. It is just the attachment of two borders and the interosseous membrane. तो इसको हम जो है वो सिंडेस्मोसिस कहते हैं. इट इज अ टाइप ऑफ फाइब्रस जॉइंट सिंडेस्मोसिस, जिसका मतलब है कि दो बोनी पार्ट्स को एक लिगामेंट ने आपस में जॉइन किया हुआ है. ठीक है, एट अ डिस्टेंस. तो यू कैन सी हियर द हेड ऑफ रेडियस मेकिंग सुपीरियर रेडियल अल्ना जॉइंट with the radial notch of upper end of ulna, and then here the head of ulna making inferior radial ulna joint with the ulna notch of lower end of radius, and then this is the middle radial ulna joint. The two interosseous borders are attached by this interosseous membrane. So talking about the articular surfaces of superior radial ulnar joint, on the medial side is the radial notch of ulna on the upper end. On the lateral side, there is a head of radius. Head of radius ka kaun sa part? Circumference. Kyunki superior surface jo hai wo trochlear notch ke saath jo superior surface of head hai wo एल्बो जॉइंट में इन्वॉल्व होती है. सुपीरियर सरफेस पे आके कैपिचुलम जो है ना वो जॉइंट बना रहा है. ठीक है, सो हेड ऑफ रेडियस का जो सर्कमफेरेंस है वो रेडियो अल्नर जॉइंट में इन्वॉल्व होगा. अगर आप ये देखें कि देयर इज दिस लिगामेंट कॉल्ड एनुलर लिगामेंट जो कि यहाँ पे रेडियल नॉच की एंटीरियर साइड से स्टार्ट हुआ, एक बैंड की तरह सर्कमफेरेंस जो है हेड का उसको ये रैप करता है और उसके बाद फिर पोस्टीरियर एज पे जाके उसके अटैच हो जाता है. So these completely form the articulating surfaces of radial ulnar joint. Radial notch, annular ligament, ये completely दोनों मिलकर एक osteofibrous ring बना देते हैं. और उस ring के अंदर जो circumference of radial head है वो यहाँ पर है. Circumference की attachment किसी चीज के साथ नहीं होती, वो free होता है. और इस fibrosis ring के दरमियान में जो है ना वो ये head जो है वो rotate करता है. So this is the superior radial ulnar joint. Obviously, if it is a synovial joint, so it has ligaments. अच्छा, superior radial ulnar joint की जो variety है वो क्या होगी कि ये अगर ring होगा और उसके अंदर rotate कर रहा है अपने ही central axis पे एक structure, तो ये जो दोनों पार्ट्स हैं इनको हम कहते हैं पिवटल टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट. साइनोवियल जॉइंट की सारी कैटेगरीज आपने पढ़नी है. तो एक कैटेगरी जिसमें एक आर्टिकुलर सरफेस जो है वो स्टेशनरी है और दूसरी आर्टिकुलर सरफेस जो है वो रोटेट कर रही है इस तरह से और पिवट वाली अपीयरेंस आया, तो उसको हम कहते हैं पिवटल टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट. सो दिस इज द टाइप ऑफ सुपीरियर रेडियल ना जॉइंट. जो सुपीरियर रेडियल अल्नर जॉइंट है उसकी उसका जो कैप्सुलर लिगामेंट है जो उसको रैप कर रहा है वो भी फ्यूज कर गया होता है एल्बो जॉइंट के कैप्सुलर लिगामेंट के साथ. ठीक है, सो एल्बो जॉइंट और सुपीरियर रेडियल अल्नर जॉइंट का जो कैप्सूल है उन दोनों को सेपरेट करना मुश्किल है. देन जो जॉइंट कैविटी है वो भी सुपीरियर रेडियल अल्नर जॉइंट और एल्बो जॉइंट की जो जॉइंट कैविटी है वो कॉमन है. ये बात इंपॉर्टेंट है. ठीक, इसका मतलब है कि इनर साइड पे कैप्सूल के जो साइनोवियल मेम्ब्रेन लाइन कर रही है वो एनुलर लिगामेंट के भी इनर साइड तक आती है. और अगर आप ये देखें कि क्योंकि जॉइंट जो कैप्सूल है बाकी सब जगहों पे ये मार्जिन पे यहाँ पर अटैच हुआ हुआ है एल्बो जॉइंट का, यहाँ पर भी अल्ना पे भी मार्जिन पे बोनी पार्ट्स पे अटैच हुआ हुआ है, लेकिन रेडियस पे आके जो फाइब्रस कैप्सूल है दैट इज नॉट अटैच टू द रेडियस बोन. It is attached over this annular ligament.
लैटरल साइड पे आपको रेडियल कोलैटरल लिगामेंट भी एनुलर लिगामेंट पे अटैच होता नजर आ रहा है. सो अपर एंड ऑफ रेडियस इस रिंग के अंदर फ्री होता है. ठीक, अब ये जो एनुलर लिगामेंट और कैप्सूल के अंदर गैप है, उस गैप में से जो साइनोवियल मेम्ब्रेन की पॉकेट है आपको ये बाहर आती हुई नजर आ रही है, विच इज कॉल्ड सैक्सीफॉर्म रिसेस. ठीक, सो ये बात आपने याद रखनी है कि जो जॉइंट कैप्सूल है वो फ्यूज है, कॉमन है, जॉइंट कैविटी भी कॉमन है.